इस साल 26 जुलाई को कारगिल युद्ध में भारत के गौरवशाली जीत के 24 साल पूरे हो जाएंगे। हम सब जानते हैं कि कारगिल का युद्ध दुनिया में सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में लड़ा गया युद्ध माना जाता है। कारगिल युद्ध मई से जुलाई 1999 तक कश्मीर में कारगिल की बर्फीली चोटियों पर लड़ा गया था। इस युद्ध में हमारी आर्म्ड फोर्सेस द्वारा 3 इंडिपेंडेंट लेकिन संयुक्त ऑपरेशन किए गए थे, जिसने युद्ध में भारत की विजय की सुनिश्चित की। ये ऑपरेशंस थे भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय, वायुसेना द्वारा ऑपरेशन सफेद सागर और नौसेना द्वारा ऑपरेशन तलवार। हालांकि भारतीय सेना और वायुसेना की भूमिका के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और कहा गया है, लेकिन भारतीय नौसेना के रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक के बारे में ज्यादा बातें नहीं की गई है। कारगिल युद्ध के समय भारतीय नौसेना की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि संघर्ष में इनकी रणनीतिक भागीदारी ने निश्चित रूप से भारत को पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीतने में मदद की। नौसेना ने ऑपरेशन तलवार शुरू करके कारगिल युद्ध में सहायक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया सेंटिनल्स। भारतीय नौसेना की योजना, जिसे ऑपरेशन तलवार नाम दिया गया, दरअसल नौसेना के इरादे और क्षमता का प्रदर्शन था। ऑपरेशन तलवार के दौरान नेवल फोर्सेस के सभी एलिमेंट्स को कार्रवाई में लगाया गया था। दुश्मनों को दूर रखने के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन तलवार के तहत आपूर्ति मार्गों को काटने के लिए पाकिस्तानी बंदरगाहों, मुख्य रूप से कराची बंदरगाह को अवरुद्ध करने की योजना बनाई। भारतीय नौसेना के पश्चिमी और पूर्वी बेड़े ने भी पाकिस्तान के समुद्री व्यापार में कटौती की धमकी दी और उत्तरी अरब सागर में आक्रामक गश्त शुरू कर दी। रणनीति ये थी कि पाकिस्तान को जीत का दावा करने का कोई भी मौका नहीं दिया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि अगर पाकिस्तान सीमित कारगिल क्षेत्र से लड़ाई का विस्तार करने के बारे में सोचने की भी हिम्मत करता है तो नौसेना दक्षिण में एक और मोर्चा खोलेगी। आपको बता दें कि ऑपरेशन तलवार में अरब सागर में लड़ाकू जहाजों की अब तक की सबसे बड़ी तैनाती शामिल थी। एक समय में लगभग 30 जहाजों को कराची के सामने खड़ा किया गया था। पश्चिमी बेड़ा, जो अपने आप में पाकिस्तानी नौसेना से निपटने के लिए पर्याप्त था, उसे पूर्वी बेड़े की संपत्तियों द्वारा अतिरिक्त रूप से बढ़ाया गया था। इसके अलावा जब पाकिस्तानी अधिकारियों ने न्यूक्लियर के बारे में बोलना शुरू किया तो भारत के जहाजों को पाकिस्तान तट के करीब ले जाकर जवाब दिया गया। ये एक स्पष्ट संकेत था कि हम परमाणु ब्लैकमेल के आगे भी नहीं झुकेंगे। भारतीय नौसेना के स्ट्रैटेजिक मूव ने पाकिस्तान के आर्थिक अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर दिया, क्योंकि देश का अधिकांश व्यापार प्रवाह मुख्य रूप से तेल समुद्र पर आधारित है। भारतीय नौसेना द्वारा बनाई गई नाकेबंदी इतनी शक्तिशाली थी कि पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा था कि अगर पूर्ण युद्ध छिड़ गया तो उनके देश के पास खुद को बनाए रखने के लिए केवल 6 दिनों का ईंधन बचा था। नागरिक और सैन्य उपयोग के लिए पाकिस्तान के पास तेल और पेट्रोलियम स्टोरेज कैपेसिटी का रणनीतिक भंडार भारत की तुलना में कम है और इस प्रकार पाकिस्तान के व्यापार मार्ग को अवरुद्ध करने का भारतीय नौसेना का कदम युद्ध के समय उनकी सेना के लिए चिंता का विषय बन गया। भारतीय नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में प्रॉक्सी नौसैनिक अभ्यास शुरू किया। समरेक्स नामक इस अभ्यास ने पाकिस्तानियों के लिए एक निवारक के रूप में काम किया। जैसे जैसे अभ्यास मकरान पोस्ट के करीब बढ़ता गया, पाकिस्तान ने भारतीय जहाजों के हमलों के डर से अपना ध्यान खाड़ी से अपने तेल व्यापार को बढ़ाने पर केंद्रित कर दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, नौसेना ने इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अभ्यास करने के लिए छद्म रणनीति के साथ ओमान की खाड़ी पर ध्यान केंद्रित किया। इस तरह भारतीय नौसेना ने एक प्रमुख
भूमिका निभाई और सेना और वायुसेना को पाकिस्तानी सेना को नियंत्रण रेखा के पीछे धकेलने में मदद की।